अस्सलाम वालेकुम मेरे होम मील वीवर, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बहुत कुछ क्विक सी रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और इसको हम सर्दियों में काफ़ी बनाते हैं क्योंकि आलू नए आए हुए होते हैं। अब आलू जो है वो नए जाने वाले हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार फिर ट्राई कर लें। ये हमने आलू लेके इनको तकरीबन आधे घंटे अच्छे से बॉईल करके गला लिया है। इसमें इमली डलेगी, ज़ीरा डलेगा, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चमचा और कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक हसबे ज़ायका। बहुत क्विक सी रेसिपी है, चलिए आइए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आलुओं की स्किन रिमूव करके इसको इस तरह से काट लिया है। बस अब हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलिए आइए हम फ्राई करते हैं इनको। एक पैन में हमने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो घी ले लिया है। इसमें हम जो है वो ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ी क्विक सी रेसिपी है, बस जल्दी जल्दी से करेंगे। इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया, जैसे ही इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें मिर्चें भी डाल देंगे। ये जीरे का रंग चेंज हो गया, अब इसमें हम जो है वो मिर्चे डाल देंगे और साथ ही इमली का पल्प भी डाल देंगे। बहुत जबरदस्त सी खुशबू उठ रही है इस वक्त। इसको हम भूनेंगे कि मिर्चों का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। नमक इसमें हमने आधी चमची डाल दिया है, बाकी एज पर टेस्ट है। नमक हम थोड़ा बाद में ही डालते हैं मसाला भुनने के। अब इस वक्त हम इसमें आलू भी डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं स्नैक टाइम में, या आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, या वैसे ही बच्चों को शौक़ होता है कुछ डिफरेंट आलू की रेसिपीज़ खाने का, तो हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो बच्चों को ये चीज़ें बना के खिलाते हैं। हल्के हाथ से इसको हम चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो अंदर तक रच बस जाए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना क्योंकि आलू हमारे बॉइल्ड हैं, इसको बिल्कुल इसी शेप में रहना चाहिए। बस ये एक दफ़ा भुन चुके हैं, इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डाल के दोबारा भुनाई करेंगे। बस हमारे आलू जो हैं वो सर्व के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। कोई क्विक से मेहमान आ रहे हों तो आप जल्दी से इसको भी बना लें, छोलों के साथ बना लें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और आगे अब रमज़ान आ रहे हैं तो इस तरह की डिशेज़ हमारे बहुत काम आने वाली हैं। चलें जी मेरे होम मील फ्रेंड्स और इंडियन फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्विक सी रेसिपी स्नैक टाइम के लिए लेके आ गए हैं हम। रेडी हो गई है, इसको डिश आउट कर दिया है हमने। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।